गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहान परमेश्वर। सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार मंत पुष्पांजलि समर्पया। श्री राधे विजय कुमार जी श्री राधे।
श्री राधे राधे श्री 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 राधे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्त्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भगवान की दिव्य दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भगवान की दिव्य पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव से भगवान के नाम संकीर्तन का श्रवण सभी बड़े प्रेम और भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है गोविंद मेरी ये
सभी बोलिए नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण 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 जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दयाल की जय हो, भटियानी दरबार की जय हो। बहुत सुंदर भगवान की दिव्य दिव्य पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य की सुंदर चर्चा का हम और आप श्रवण कर रहे थे, और महात्म्य की सुंदर चर्चा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज की जो पावन दिव्य चरित्र जो गाई हुई ये दिव्य कथा है, उस कथा का महात्म्य बड़े प्रेम और भाव से हम और आप श्रवण कर रहे थे। बड़े दिव्य इस महात्म्य की चर्चा बहुत ही सुंदर। सजनों, दिव्य महात्म्य की चर्चा का वर्णन करते हुए किस प्रकार नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, कैसे नारद जी महाराज पृथ्वी पर घूमने के लिए आए और उन्होंने देखा कि कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह अशांति। कलिना धर्म मित्रेण धरे अम्बा, कलिकाल के प्रभाव के कारण चारों ओर अशांति ही अशांति फैली हुई है, कहीं पर शांति नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य रूपे द्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सफरी ग्रह। भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद। देखो हमारे पास में दो चीज है, एक है भाग्य एक है बुद्धि। अगर किसी की बुद्धि तेज हो, भाग्य कमजोर हो, तो वो बुद्धि से काम चला लेगा, लेकिन अगर किसी की बुद्धि कमजोर हो और भाग्य तेज हो तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन सजनों, कलयुग में हमारा और आपका भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य रूपे दुतः। आप कहोगे कैसे हमारा भाग्य मंद है भाई, आप कहोगे कैसे मंद है भाग्य, क्यों? अरे हम तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो सजनों, धन हो जाने से कोई भाग्य तेज नहीं होता, ज्ञानी हो जाने से, धनवान हो जाने से, वैभववान हो जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता मेरे भाई। भाग्यशाली कौन है? जिसके जीवन में भगवान की प्राप्ति हो गई हो, भगवत प्राप्ति हो गई हो, वो है भाग्यशाली। और ऐसे चाहे कितने धनवान हो जाएं, कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, ऐसे हम भाग्यशाली नहीं कहलाते। देखा जाए तो भगवान की भक्ति के हमारे अंदर लवलेश मात्र नहीं है, और सजनों अंत समय में ये भगवान की भक्ति ही काम आती है, अंत समय में ये भगवान का नाम ही काम आता है। अंत समय में भगवत प्राप्ति के लिए परमात्मा के नाम का गुणगान जिसने गाया है वो ही काम आता है, और जो गुणगान नहीं गा पाया वो ऐसे ही अंत समय में सब कुछ छोड़ करके दुनिया से चला जाता है। और जिसने भगवान की भक्ति की है, भगवान का नाम लिया है, वो यहां भी वाह वाह और वहां भी वाह वाह। बस यही बात यहाँ बताई गई है कि कलयुग में जीव बुद्धि से भी हीन है और भाग्य से भी हीन है। पुरुषों की प्रधानता समाप्त हो गई है, स्त्रियों की प्रधानता कलयुग के अंदर। त
तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभाद दंपतीनां च कल्कनम। बेटा और बहू माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे कलयुग में। तरुणी प्रभुतागे हे शालको बुद्धिदायक, और अगली पंक्ति में कहा कन्या विक्रीणो लोभात, माँ बाप का पेट बेटियां भरेगी। कलयुग में बेटियां माँ बाप की सेवा करेंगी। बेटा और बहू पास में होने के बाद भी माँ बाप को पूछेंगे नहीं, और बेटियां दूर होने के बाद भी पता चलेगा मेरे पिता बीमार हैं, मेरी माता बीमार हैं, तो दौड़ करके आएंगी। कलयुग में ऐसा होगा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। न कोई योगी न कोई सिद्ध, लोगों को बिच्छू का झाड़ा मारने का भी मंत्र आ जाएगा तो अपने आप को सिद्ध मान बैठेंगे, बहुत बड़े सिद्ध योगी हो। बस कलयुग में ऐसा ही होगा। आश्रमे यवने रुद्धा, आश्रमों पर यवनों का राज हो जाएगा। दुष्ट लोग, भूमाफिया लोग देखेंगे महात्मा की बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा धन है, और उस धन और संपत्ति को माफिया लोग पहले बाबा जी के चेला बनेंगे, चेला बनने के बाद बाबा जी को तो मार देंगे, खुद उस गद्दी के ऊपर लाल पीले कपड़े पहन करके बैठ जाएंगे। आश्रम यवने रुद्धा, यवनों का राज आश्रम पे हो जाएगा। नारद जी महाराज ने मन में सोचा ये धरती अब रहने लायक नहीं है, क्या करें। बोले चलो इस धरती से अब सीधे हम वैकुंठ चलते हैं। लेकिन फिर ध्यान आया, अरे वैकुंठ जाने से पहले धरती पर आया हूं तो वृंदावन धाम के तो मैं दर्शन करता हुआ चलूं। तो वृंदावन धाम के दर्शन करने के लिए चले। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम के दर्शन करने के लिए नारद जी महाराज जाते हैं। क्यों? वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, बंसीवट सो वट नहीं श्री राधे नाम सोना। वृंदावन जैसा वन नहीं, दुनिया में वन तो बहुत है लेकिन वृंदावन की महिमा अलग है, निराली है। क्यों? ऐसा क्या है वृंदावन में? यहाँ हम और आप राधे राधे नहीं बोलते हैं लेकिन वृंदावन के पशु पक्षी मनुष्य, यहाँ तक कि वहां के पेड़ों पर भी राधे राधे का स्मरण होता है। राधे राधे लिखा मिलेगा। वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा Thank you.
बसे यह रास रचैया चरावे बन बन गैया। 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 लीला अजब निराली, झुक
चल कर देखो वृंदावन में मेरा श्याम छुपा बैठा है। ऐसा निराला श्री धाम वृंदावन। नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं कि चलो जब मैं वृंदावन धरती पर आया हूं तो कम से कम वृंदावन तो दर्शन करने के लिए चलूं। और वृंदावन दर्शन करने के लिए नारद जी महाराज जाते हैं और वहां भक्ति देवी को रोते हुए देखते हैं, रुदन कर रही है। गोद में भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। नारद जी ने पूछा, रे देवी क्यों रो रही हो? तो भक्ति देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा, क्या बताऊं, ये मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, यही मेरा रोना है। यानी माँ बाप का सबसे बड़ा दुख क्या है? उसकी औलाद का दुखी होना। माँ खुद बीमार होती है तो शायद नहीं रोती, लेकिन माँ की औलाद बीमार हो जाए तो माँ अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। तो भक्ति देवी कहती है, क्या बताऊं, मेरा रोना इसी बात का है कि मेरी संतान सुखी नहीं है। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम चिंता मत करो, तुम तो चिंतन करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करो। देखो, चिंता हरने का एक ही उपाय है, क्या? चिंता हरण करने वाले परमात्मा का स्मरण। जब भी जीवन में चिंता आए, भगवान के आगे बैठ जाओ और भगवान से कहो, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। लगे ना हमारा कोई नहीं है, चिंता मन में, टेंशन परेशानी, हम क्यों चिंता करें? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे बस, 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 बस। भगत के जीवन में इतने संकट, इतने दुख होने के बाद भी वो दुखी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझता। वो कहता है, जब तक है मेरे प्रभु साथ तब तक मैं कैसे हूं अनाथ। और हमें परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है। बस नारद जी यही बात कहते हैं, देवी भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की वो भगवान कहीं गए नहीं है, वो यही है, उनका स्मरण करो। और हे भक्ति देवी, तुम तो भगवान को प्राणों से प्यारी हो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम् प्राण तोधिकः,
त्वयाहुतस्तु भगवान गृहेश्वरि। अरे भक्ति देवी, तुम तो भगवान को प्राणों से इतनी प्रिय हो कि जहां भक्ति होती है वहां भगवान को आना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, छोटे से छोटा, जिसको दुनिया में अधम कहा जाता है, अगर वो भी भगवान का नाम लेने वाला है, भक्ति करने वाला है, तो भगवान वहां भी दौड़ करके जाते हैं। और भक्ति देवी, तुम्हारे ऊपर तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, मुक्ति दासी ददाम तुभ्यम, मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया कि जो भगवान की भक्ति करेगा वो सीधा मुक्त हो जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नारद जी महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुरुहुः, वेद सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं, गीता पाठ बार बार सुनाया, लेकिन भक्ति के पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ। नारद जी ने मन में सोचा, क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ जाएगा? तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी ध्यान रखना, चाहे वो आपने गलत काम के लिए किया हो, चाहे अच्छे काम के लिए किया हो, आपका परिश्रम का फल तो आपको मिलेगा, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। किसी का बुरा करने का परिश्रम किया है तो उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, और किसी का भला करने का परिश्रम किया है तो उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। उद्यमे सफलस्तोयम्, उद्यमे सफलस्तेयम्, भविष्यति न संशयः। उद्यमे सफलस्तेयम्, भविष्यति न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि किया हुआ कर्म उसका फल व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। हे जीव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल अपने आप मिलेगा। अच्छे कर्म किए जा बंदे, फल देगा भगवान रे। अच्छे कर्म किए जा बंदे, फल देगा भगवान रे। अगर हम कर्म की चिंता करने लग जाएं और फल की चिंता न करें तो सजनों फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम फल की इच्छा तो पहले करते हैं, कर्म बाद में करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? बोले न तो फल मिलता न कर्म होता है। आज के समय में बच्चे फल पहले चाहते हैं, काम बाद में करना चाहते हैं, और जो पहले फल के बारे में सोचने लग जाता है ना, वो कभी सफल नहीं होता। आपने उदाहरण सुना होगा, एक व्यक्ति किसी महाजन के यहाँ नौकरी करने के लिए गया, तो महाजन ने उसको एक घी का मटका दिया। पुराने समय की बात है, जब मटकों में घी रखते थे, एक मटका घी का दिया कि भाई तेरे को फलाने सेठ के पास में इसको पहुंचाना है। वो लेकर के मटका चला और मन में सोचने लगा, मैं कोई जिंदगी भर सेठ की गुलामी नहीं करूंगा, महाजन की जिंदगी में गुलामी करने वाला नहीं हूं, बस ये मटका मैं लेकर के जाऊंगा, दूंगा, इसके बदले में सेठ मेरे को एक रुपया देगा। पुराने जमाने की बात है, एक रुपया बहुत होता था उस समय, एक रुपये में मैं चार भेड़ खरीदूंगा और चार भेड़ों को पालूंगा, वो साल में दो बार ब्याएगी, 16 भेड़ हो जाएंगे, उनकी ऊन बेचूंगा, उनके छोटे छोटे बच्चे बेचूंगा, और बेचते बेचते 16 की 32, 32 की 64, और ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, खूब सारी भेड़ी भेड़ हो जाएगी, और फिर मेरे पास में इतना पैसा होगा। उसने जैसे किया इतना पैसा होगा, वैसे मटका छूट गया। सपना देख रहा था वो कि कैसे भेड़ आ रही, उसे लगा पैसा आ गया, इतना पैसा होगा, और मटका छूटा, छूटते धराम से नीचे गिरा और फूट गया। सेठ ने एक थप्पड़ मारा
और कहा जिंदगी भर नौकरी यही करता रहे जब तक पैसे पूरे नहीं हों। बन गया करोड़पति। बस आज के बच्चे भी ऐसे सपना देखते हैं कि रात रात में करोड़पति कैसे बने, कैसे जुए से, सट्टे से, सौदे से, कैसे चोरी से, जारी से, रात रात में करोड़पति बने कैसे। और सजनों रात रात में करोड़पति बनने के चक्कर में वो ऐसे गिर पड़ते हैं कि जिंदगी में उठ नहीं सकते। कर्म करो, फल तो परमात्मा अपने आप ही देंगे जैसा हम कर्म कर रहे हैं। कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आकाशवाणी ने नारद जी को यही कहा कि आपका कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करें। बोले सत्कर्म। कौन सा सत्कर्म? बोले ये कोई साधु बताएगा। और सजनों साधु की खोज करते करते नारद जी कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, अब आप बताओ मुझे कौन सा सत्कर्म करना है जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए, कौन सा सत्कर्म करूं। तो सनकादि गण कहते हैं हे नारद जी आप चिंता मत करो, सत्कर्म सूच को ज्ञान दे श्रीमद भागवत आप तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करवाओ। जो भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने गाई है, इस भागवत की कथा के प्रभाव से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतुर्मोहमदान्धकार नासंविधाय तदोदयते विवेकः। जीवन में जब भाग्योदय होता है तब जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, तब जीवन में सत्संग मिलता है। बिना भाग्योदय हुए जीवन में सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। और सत्संग जब मिल जाता है भगवान की कृपा से तो सत्संग से क्या प्राप्त होता है, तदो दैते विवेक हो, विवेक मिलता है। विवेक मतलब क्या सही क्या गलत, ये सत्संग करने से ही पता चलता है। देखो गाड़ी बहुत सुंदर हो लेकिन गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी किस काम की।